हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ फ्रूट फेशियल शेयर कर रही हूँ। मात्र दो स्टेप आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जो कि दो ही स्टेप से ही आपके चेहरे पर काफ़ी सुंदर निखार और ग्लो देखने को मिलेगा। और उसके साथ अगर आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, कैसे भी दाग धब्बे हों, चाहे पिगमेंटेशन हो या आपके चेहरे पर कील मुहासे के दाग धब्बे हों, तो अगर आप इसे वीक में दो बार इस्तेमाल करते हैं, मात्र दो बार इस फेशियल के दो स्टेप को आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपके चेहरे के कैसे भी दाग धब्बे हों रिमूव हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा फ्रेंड्स, आगे मैं आप लोग को बताती हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और आपको ही अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। फर्स्ट बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो इस फेशियल को बनाना और यूज़ करना बहुत ही आसान है। जो आप 1.5 से 2 हज़ार रुपये खर्च करके पार्लर में निखार पाते हो, वही मैं आज आप लोग को नेचुरल इंग्रेडिएंट्स द्वारा बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले आपको पपाया लेना है, पपीता। फ्रेंड्स, ये जो पपाया होता है हमारी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स होते हैं, जो कि आपके हेल्थ के लिए भी और स्किन के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और इसे मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स स्क्रब और फेस पैक में। दो स्टेप मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने बाउल में ये पपाया का पल्प ले रही हूँ, तो दो बाउल में मैं इसे बनाने वाली हूँ। एक में पैक बनाऊँगी, एक में स्क्रब बनाऊँगी। और स्क्रब जो होगा इस तरह का होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा दरदरा नहीं होगा। ये बहुत ही जल्दी मेल्ट होकर आपका मसाज क्रीम के रूप में भी बन जाएगा। तो इस स्क्रब में आपको मसाज और स्क्रब दोनों मिलेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैंने पपाया का पल्प लिया और उसमें कॉफ़ी पाउडर यूज़ की हूँ। कॉफ़ी पाउडर तो आप लोग जानते हैं कि हमारी स्किन को ब्राइटनिंग बनाता है, साथ ही आपकी स्किन पर जमे हुए जो डेड सेल्स होते हैं उसको रिमूव करता है। और इसमें दो ड्रॉप हमने यूज़ किया है ऑयल, और ये है चंदन का ऑयल। अगर आपके पास चंदन का ऑयल नहीं है तो आप कोकोनट या बादाम का ऑयल भी यूज कर सकते हो। और इसमें थोड़ा सा मैंने एलोवेरा यूज़ किया। एलोवेरा यूज़ करने के बाद मैं टर्मरिक यूज़ कर रही हूँ। टर्मरिक जो होता है फ्रेंड्स, आपके चेहरे को फेयर करता है, चेहरे पर दाग धब्बे को दूर करता है, चेहरे पर पिंपल्स एक्ने आने से रोकता है। और यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ फ्रेंड्स पैक। तो पैक बनाने के लिए वही जो पपैया का पल्प है उसको लिया है, और उसमें मुल्तानी मिट्टी यूज़ किया फ्रेंड्स। जैसा कि समर सीजन चल रहा है तो मुल्तानी मिट्टी काफ़ी बेनिफिशियल होता है। थोड़ा सा मैंने चावल का आटा यूज़ किया है 1 चम्मच, और इसमें रोज़ वाटर मैं मिक्स कर रही हूँ। रोज़ वाटर जो होता है आपके स्किन को हाइड्रेट करता है, पीएच लेवल को कंट्रोल करता है। चावल जो होता है आपको स्किन को ब्राइटनिंग बनाता है, गोरा बनाता है फ्रेंड। जापान और कोरिया के लोग जो होते हैं चावल से बने हुए प्रोडक्ट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले मैं वो स्क्रब यूज कर रही हूँ, जो कि कॉफ़ी का यूज़ करके हमने बनाया था। तो फ्रेंड्स, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जो भी इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किया है बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। आप वही यूज़ करेंगे तो फ्रेंड्स इतना अच्छा इफ़ेक्ट आपको मिलेगा एक ही बार में। और इस तरह आपको हल्के हल्के हाथों से मसाज करना होगा। तो जैसे कि आपको तेज़ दिख रहा है फ्रेंड्स, लेकिन तेज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि वीडियो को फास्ट कर देती हूँ ताकि आप लोग को टाइम ना लगे ज़्यादा देखने में। तो इस तरह आपको मसाज करना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक, और उसके बाद गीली हैंकी लेकर आपको वॉश कर लेना है। और बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये धीरे धीरे ना स्क्रब जो होता है, यानी कि कॉफ़ी ही स्क्रब का काम करता है, और वो मेल्ट हो जाएगा तो वो मसाज बन जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया था वो एक मसाज क्रीम का ही होता है। और उसके बाद इसे वॉश करने के बाद हैंकी से निकाल लेंगे, उसके बाद जो पैक हमने बनाया उसे यूज करेंगे। पैक के लिए आप तो जानते ही कि क्या क्या हमने यूज़ किया था, आगे मैं आप लोग को दिखाई ही हूँ कि पपैया का पल्प था और उसमें मैंने यूज किया था मुल्तानी मिट्टी, चावल का आटा और थोड़ा सा रोज़ वाटर। बस इतने से इंग्रेडिएंट्स में ये पैक बनाया, और ये पैक बहुत ही इफ़ेक्टिव है फ्रेंड्स। ये जो पपैया होता है ये पिगमेंटेशन को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है। इसमें विटामिन ए, बी, सी, विटामिन B12 पाया जाता है, जो कि आपके स्किन के दाग धब्बों को रिमूव करने में काफ़ी हेल्प करता है और चेहरे को ग्लोइंग भी बनाता है। जब ये पैक आपका सूख जाए तो आपको हैंकी से थोड़ा गीला कर लेना होगा, पानी से आपको थोड़ा गीला करके आपको हैंकी से निकाल देना होगा। आप चाहे तो वैसे भी वॉश कर सकते हैं, लेकिन हैंकी से वॉश करने से ये होता है फ्रेंड्स ना, डीपली क्लीन हो जाता है, आपके पोर्स में बिल्कुल भी नहीं छूटता है ये पैक।
और उसके बाद नॉर्मल पानी से भी आपको साफ़ करना होगा। ये नहीं कि हैंकी से साफ़ कर लो फिर नॉर्मल वाटर से आप ना साफ़ करो। तो मैं नॉर्मल वाटर से भी साफ़ की, लेकिन वो आपको मैंने नहीं दिखाया है। और उसके बाद इस तरह प्रेस करते हुए आपको हैंकी से आपको अपने वाटर को सोक कर लेना है। रगड़ के कभी भी अपने चेहरे को साफ़ नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो चेहरे की स्किन होती है काफ़ी सेंसिटिव होती है। जितनी भी हमारे बॉडी के स्किन होते हैं उसकी अपेक्षा हमारे चेहरे की स्किन काफ़ी सेंसिटिव होती है। हर जगह की स्किन अलग अलग होती है फ्रेंड्स। तो इस तरह आपको मसाज क्रीम कोई जो आप अप्लाई करते हो डेली यूज में वही यूज़ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स ये रेमेडी आप लोग को कैसी लगी, जो कि 100% नेचुरल है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।